यूपी के बलरामपुर में भी हाथरस जैसी हैवानियत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि गैंगरेप पीड़िता की मौत आंते फटने से हुई है। रोती बिलखती इस माँ के चित्कार सिस्टम को झकझोर रही है। माँ पूछ रही है कि आखिर मेरी बेटी का गुनाह क्या था। घर से तो एडमिशन के लिए निकली थी, फिर रास्ते में हैवानों की शिकार कैसे हो गई? जिगर का टुकड़ा आंखों से ओझल क्यों हो गया? यूपी के बलरामपुर की ये बिटिया घर से एडमिशन की बात कहकर निकली थी, लेकिन जब रिक्शे से लौटी तो उसकी हालत ऐसी हो चली थी कि वो अपने साथ हुए हैवानियत को बयां भी नहीं कर सकी। परिवार वाले इलाज के लिए अस्पताल लेकर निकले, लेकिन बेटी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक नाबालिग है। बच्चे का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए। हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। हमारे बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुँह से आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं। बहुत पूछे, कुछ भी नहीं बोली। नशे के इंजेक्शन लगा के और गाड़ी में बिठा ली। उसके बाद अपने रूम पे ले गए, गैंग रेप किए उसके साथ। उसका पैर हाथ पैर बिल्कुल तोड़ देते, कमर से खड़े भी नहीं हो पा रही थी। जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इसमें आगे छानबीन करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करेंगे। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर के महंत मिथिलेश नाथ योगी ने डीएम और एसपी के साथ पीड़ित के घर पहुंचकर परिवार को संतावना दी और मुआवजे के तौर पर 6,18,750 रुपए की रकम दी।